नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सोलंकिस गार्डन में। तो दोस्तों, ये वही प्लांट है जो मैंने नवरात्र में माला से, माता की माला से लगाए थे बीज बना के, और मैंने इसकी बहुत सारी वीडियो आप सबके साथ शेयर की है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं हर वीडियो में हर प्लांट की एक छोटी सी छोटी बात भी आप सबके साथ शेयर करूँ, और मैं इसकी ग्रोथ के बारे में हर छोटी बात आप सबके साथ शेयर की। आप मेरी पीछे जाके सभी वीडियोस में देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इन प्लांटों की जल्दी जल्दी वीडियो डाली है, सीडलिंग से लेके इसकी ग्रोथ से लेके इसकी बर्ड से लेके, और आप देखिए फाइनली इसमें फूल भी आ गए हैं और कितने खूबसूरत फूल है। तो फ्रेंड्स, मेरा बस एक यही मकसद है कि आप बाहर से बीज ना मंगा कर घर पर ही बीज से, और अपने कलेक्ट करे हुए बीज से, या फिर किसी भी चीज जो आपके पास है उनसे, बल्ब से प्लांट लगा सकते हैं बड़ी इजीली, और पैसे बचा सकते हैं और अपने गार्डन या घर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज भी मेरा मकसद यही है कि मैं आपसे साथ अपडेट करूं कि देखिए कितने प्यारी प्यारी बर्ड्स आ चुकी हैं और फूल भी आ गई हैं। और सिर्फ यही प्लांट नहीं है, मैं आपके साथ और भी शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए इस साइड भी है फ्रेंड्स, और आपको दिखाना चाहूंगी कि मैंने कई जगह लगा रखे हैं। ये देखिए, ये वाले भी वही प्लांट है, और इधर भी बर्ड्स आ चुकी है। ये देखिए, मैंने सिर्फ एक माला से इतने सारे प्लांट लगा दिए हैं कि मैंने अपने गार्डन को भर दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये वही नाव है जिसमें मैंने माला को तोड़ के फेंका था, बिखेरा था, और इसमें भी बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, और मैं इनको जल्दी ही रिपोर्ट करूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अभी पॉट खाली पड़े हुए हैं। तो मेरा मकसद यही है फ्रेंड्स, आप अपने पैसे बचाइए और घर पर ही अपने बीजों से जो आप कलेक्ट करके रखते हैं प्लांट लगाइए, अपने गार्डन घर को खूबसूरत बनाइए। और प्लीज़ मेरी वीडियो के बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।